नमः की जय। बोल दशनामिया अखाड़ा की जय। ऐसा है कि आज ये जो मीटिंग दशनामिया अखाड़ा के इस परिसर के अंदर हो रही है, इसका जो मेन उद्देश्य है कि लंबेड़ी वाले महाराज श्री जी, वो पुंछ के अंदर उनका आगमन हो रहा है 21 तारीख को, इस महीने की 21 तारीख को वो पुंछ के अंदर वीरवार के दिन वो यहाँ पुंछ की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 30 सालों के बाद वो पुंछ नगरी में आ रहे हैं, 30 सालों के बाद वो पुंछ नगरी में आ रहे हैं। मैं सभी पुंछवासियों से ये पुरजोर निवेदन करूँगा कि उनके स्वागत के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं, उनका भव्य स्वागत इस पुंछ नगरी के अंदर होना चाहिए। हमें तन मन धन से महाराज श्री जी का स्वागत करना चाहिए। देखिए, पुंछ की नगरी धन्य है कि पहले आज से एक महीना पहले महाराज श्री जी का आगमन जो है वो हरिद्वार के अंदर हुआ, और दूसरा आगमन महाराज श्री जी का पुंछ नगरी के अंदर हो रहा है। इसमें ही हम ये अंतर करें कि पहला आगमन पवित्र नगरी, जहां हमारे मरने के बाद वहां हमारी अंतिम जो क्रिया वहां पे होती है, और खुशी का स्नान करने के लिए हम उस गंगा मैया के पास जाते हैं। महाराज श्री जी उस गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर उसका स्नान करने के उपरांत पुंछ नगरी के अंदर पधार रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी पुंछवासियों को बगैर मजमू मिलत ये पुरजोर निवेदन करूँगा कि 21 तारीख वीरवार को महाराज जी के आगमन के लिए, महाराज जी के स्वागत के लिए सभी लोग ठीक सुबह 10 बजे यहाँ दशनामिया अखाड़ा में पहुँचे। यहाँ से हम सभी लोग इकट्ठे होके ये जो हमारा ब्रिज है इसके ऊपर चलेंगे, वहाँ से महाराज जी का स्वागत करते हुए आगे क्या कार्यक्रम बनेगा वो बाद में सभी पुंछवासियों को बताया जाएगा, महाराज जी का क्या कार्यक्रम रहेगा। लेकिन इतना कार्यक्रम तय है, महाराज श्री जी पुंछ दशनामिया अखाड़ा में रहेंगे कुछ देर, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था रहेगी, उसके उपरांत यहाँ से बूढ़ा अमरनाथ जी जाएंगे वहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने के लिए। बीच का जो कार्यक्रम रहेगा वो आपको एक दिन के बाद जो है वो सभी पुंछवासियों को बताया जाएगा। लेकिन सनातन धर्म सभा की ओर से पूरे पुंछवासियों को ये निवेदन है, पुंछ जिले वासियों को, कि वो सभी लोग यहाँ पे 21 तारीख को दशामिया अखाड़ा पे पहुँच के महाराज श्री के दर्शन करें, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल सत्य सनातन धर्म की जय।